Riyadh, Saudi Arabia. Versus Wyvern. Intercontinental. Once again, Reed is allowed. Biggest event of the summer. Huge news Thursday is WWE's Tag Team Championship. Candice and Andy step. Meanwhile, Bianca to the final four. Using brute force. And be way at. Would arrive after bowing. To know what's going on with him, with Rhea. The ring general, Gunther, will take on the fight. To the semis. And we must continue. On a hot streak. But after a jaw-draining former Intercontinental. Saturday, November 2nd. That's who I hear. Has some breaking. Triple H himself, Drew McIntyre, Damian. 2026, it's Minnesota. I want to know where 20. So, Logan. Championship is on the line. Mine. It's a crutch for everything that. Game. हिस्ट्री का सबसे गंदा मैच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जो सऊदी अरब में हुआ वो हुआ था। इस मैच में एक ऐसे इंसान ने ताज जीत लिया जिसका हक ही नहीं बनता था। आखिर दोस्तों किसने, कोडी रोड्स ने, रैंडी ऑर्टन ने या फिर गुंतर ने, किस झिंगुर ने ये ताज जीता, सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में शुरुआत सैमी ज़ेन से करते हैं ये लोग। सैमी ज़ेन बड़े अपने, क्योंकि सैमी ज़ेन एक मुस्लिम रेसलर है, ये अपने पूरे अंदाज में आता है, सऊदी अरब का एड्रेस पहनता है और WWE बड़ी चलाकी के साथ इसके मुस्लिम त्यौहार भी इसको दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर सैमी ज़ेन ने जैसे लास्ट ईयर हज किया था, 2014 में भी इसने हज किया था, तो उस हज की भी वीडियो चला देते हैं कि भाई देखो अभी WWE वाले कहते हैं कि भाई हम भी कोई ज्यादा आपसे मुख्तलिफ नहीं है, आप ही जैसे लोग हैं जैसे हम भी, ये देखो हमने मुस्लिम रेसलर भर्ती किए हैं। ये एक तरह से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे WWE ऑडियंस को मजीद अपनी तरफ माइल करने के लिए, इन्होंने ये खिलौना खेल खेला। खैर ये तो एक इनकी अपनी साइकोलॉजी, इनकी चलाकियां हैं अंग्रेजों की, इस पर हम बात नहीं करते। सैमी ज़ेन इसमें मैच रेसलिंग करने की पूरी कोशिश की और मैच इनका, खैर इनका कोई रिजल्ट नहीं निकला मैच का। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात WWE ने बहुत अच्छी कर दी इसमें सऊदी अरब का भी हाथ था कि जो इसकी फीमेल्स रेसलर थी उन्होंने कपड़े अपने पूरे पूरे पहने हुए थे, यानी कि वो नंगियां नहीं थी। जैसे इनका मैच ऑस्ट्रेलिया में या कैनेडा में या कुछ मैच इंडिया में भी हुए और क्या नाम है इसका सऊदी अमेरिका में तो होते ही है, इनमें लड़कियां जब आती हैं वो नंगियां होती हैं, सिर्फ ये ऊपर का पहना होता है और नीचे कच्चा सा पहना होता है, नंगियां ज्यादातर होती हैं। लेकिन सऊदी अरब में सऊदी अरब वालों ने छुट्टी करा दी और कहा कि सारे इनको कपड़े पहनाओ, कोई नंगा ना आए, चलो भाई नंगे पुंगे चलो चलो अपने मुल्क वापस, सारे कपड़े में आए, जो भी लड़की इधर आए कपड़े में आए, अगर कोई नंगी लड़की आई तो हमारे सऊदी अरब के लड़के बड़े हरामी हैं जिसके ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर कोई गारंटी नहीं है, रेप कर देंगे, ज्यादती कर देंगे वो, फिर आपका। तो ये इन्होंने बात अच्छा कर दी और लड़कियां नंगियां नहीं थी भी, उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। अब बात कर लें कि मैच में ताज किसने जीता। देखें ये किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में किंग का ताज होता है जो किसी झिंगुर ने जीतना होता है। अब ना तो इसमें रोमन रेंज था, ना ब्रोक लेसनर था, ना ब्रॉन स्ट्रोमन था, ये कोई बड़े रेसलर तो था नहीं, सारे बच्चे कुच्चे थे। ना इसमें कोडी रोड्स भी एक लांती छोटा आजकल का न्यू लौंडा उठा है, गुंथर एक न्यू लौंडा उठा है जिसकी ना कोई जान है ना कोई पहचान है ना उसकी कोई फिजिक है, वो उठा जी उसने ताज जीत लिया जी, उसने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया। रैंडी ऑर्टन अब लूसी हो चुका है, कुछ पुराना रेसलर है, अब ये जिससे भी आता है मार खाता है और यूं इसका चल रहा है सिस्टम। तो रैंडी ऑर्टन जिससे भी मैच लड़ता है हार जाता है क्योंकि ये अब न्यू रेसलर को बूम करने की कोशिश चल रही है। रैंडी ऑर्टन गुंथर से मैच लड़ा तो गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया, ये सच में एक बहुत बड़ी मजाक है। वैसे जिस तरह कोडी रोड्स ने रोमन रेंज को हराया था इसी तरह गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया, ये बहुत बड़ी मजाक WWE ने कर दी सऊदी अरब वालों के साथ। इनको बहुत घिनौना मैच दिखा दिया जिसमें गुंथर ये मैच जीत जाते हैं। भाई गुंथर ये मैच जीत कर ताज हाथ में पकड़ लेते हैं, सर में नहीं पहनते, ये इसको डर लग गया पता नहीं सऊदी अरब वालों का कैसा ताज होगा जैसे सर में पहन के कुछ हो ही ना। इसने ताज को सिर्फ हाथ में पकड़ा और WWE ऑडियंस को कहती है कि तुम ज्यादा खुश ना हो, ये ताज मैंने जीता, मैंने अपनी मेहनत से जीता है और आइंदा मैं समर स्लैम में WWE चैंपियनशिप भी जीतूंगा। ये अब मेरा ख्याल में इसका मैच कोडी रोड्स के साथ होने वाला है, WWE ऐसा सोच रही है। अब बात कर लें कोडी रोड्स की। भाई कोडी रोड्स ने बड़ी हिम्मत की, लोगन पोल को हरा ही दिया, ये मैच तो फिक्स था, ये हमें पता था कोडी रोड्स नहीं जीतना है, तो इसलिए आज के पूरे मैच में हमें कोई मजा नहीं आया। किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट टूर्नामेंट था हिस्ट्री का, कोई मजा नहीं आया। जैसे रेसलमेनिया इनका वर्स्ट टूर्नामेंट था जिसमें इन्होंने रोमन रेंज को हरवा दिया, वैसे इन्होंने कोशिश तो की दी रॉक को लेकर आने की लेकिन मजा आया कुछ, लेकिन मजा नहीं आया। फिर भी अभी ये वर्स्ट तरीन मैच था, कोई मजा नहीं आया। सऊदी की जो ऑडियंस थी वो भी रोती हुई थी, घर में चली गई, उनको भी मजा नहीं आया, पैसे हराम चले गए।